तो ये पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली एड्रेस्ड एट द ओरिजिन सब्जेक्टेड टू द फोर्स स्टार्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स कैटेगरी के चेंज विद द टाइम इज दिस वन वेयर गामा इज द पार्टिकल कॉन्स्टेंट फॉर एप्रोप्रिएट डायमेंशन विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। चलिए सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी गामा टी के बराबर है, तो सबसे पहले मैंने इसका यूज़ किया, देखिए डी के अपॉन डी टी, रेट ऑफ कैटेगरी इज गामा टी, मैंने इसको लिखा यहाँ पे, यहाँ से इसके बाद डी के अपॉन डी टी गामा टी लिख दिया, डी टी किधर भेज दिया मैंने, तो बन गया टी गामा डी टी डी के। अब डी हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो गामा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, टी की वैल्यू जीरो पे कैटेगरी जीरो माना, टी टाइम पे कैटेगरी को के मान लिया, इसको कर दिया इंटीग्रेट, तो कैटेगरी आगे कितनी गामा टी स्क्वायर बाई टू। अब कैटेगरी को आप कर सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, तो गामा टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, अब वी की वैल्यू क्या जाएगी गामा अपान एम इंटू टी, यानी स्पीड टाइम के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, तो यस सही कह रहा है, तो स्पीड टाइम के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल है। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट किया। अच्छा एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स किससे आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो अगर फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन से तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए वी को डिफरेंशिएट किया तो टी के रिस्पेक्ट में, तो बन गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट गामा अपॉन एम, तो फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास में इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ की वैल्यू, तो आगे इतने, तो ये एम भी कॉन्स्टेंट है गामा भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो ये पार्ट सही हो गया, फोर्स कांस्टेंट हो गया सही हो गया, स्पीड ऑफ पार्टिकल पर्पस टू टाइम ये भी सही हो गया। देखिए बी पार्ट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीज लीनियरली विद द टाइम, डिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि बी को लिखा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा रूट गामा अपॉन एम इंटू टी। अब डी टी किधर भेज दिया इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया, टी केवल जीरो पे डिस्टेंस टेबल जीरो है और टी टाइम पे डिस्टेंस क्या है एस है, करेंगे इंटीग्रेट बनेगा हाफ गामा अपान एम इंटू टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उन्होंने कहा कि लीनियरली इसलिए गलत है। अब डी कह रहा है द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ऑफकोर्स द कॉन्स्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो जितने भी कंजर्वेटिव कॉन्स्टेंट फोर्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन एक वन साइकिल में नेट वर्डन क्या आएगा जीरो, क्योंकि फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं तो वर्डन जीरो देगा, जैसे एम जी एक कॉन्स्टेंट फोर्स है तो कंजर्वेटिव है, ए भी फोर्स कॉन्स्टेंट है तो ए भी कंजर्वेटिव है। ओके अच्छा इसमें डिस्टेंस के लिए हमने इसका हेल्प लिया डी एस अपॉन डी टी का और इंटीग्रेट करके आंसर ला दिया, तो एक बात बता दो कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, रीजन ये है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और रेड से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होगा और रेस्ट पे होगा और कैटेगरी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और इसमें एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव आया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल हमेशा एक ही डायरेक्शन में भागेगा, एक ही डायरेक्शन में भागेगा, तो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो जब वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, इसीलिए जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन किया है मैंने बोल दिया कि वही क्या है डिस्टेंस है। ओके अच्छा इसी को दूसरे तरीके से मैं समझ सकता था, यहाँ पे देखिए मैंने बताने की कोशिश की है, यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद भी की वैल्यू कितनी आ गई रूट गामा एम इंटू टी आई आई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत अच्छी बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो फंक्शन है वो वेलोसिटी का टाइम के साथ लीनियर फंक्शन है, तो अगर टाइम के साथ लीनियर फंक्शन है तो भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, तो ये भी तो लीनियर फंक्शन होता है, तो अगर मैं भी बराबर यू प्लस ए टी से कंपेयर कर दूँ तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट गामा अपॉन एम, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो अगर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि उसमें ये इसके साथ मैच कर जा रहा है और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, तो अगर क्वेश्चन मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है तो हम लोग काइनेमेटिक्स के जितने इक्वेशंस पढ़े थे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो सारा का सारा वैलिड हो जाएगा, जैसे हमने s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था,
हमने बी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा था, ये सारे सारे होल्ड करेंगे। तो चलिए डिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यू जीरो है, जीरो प्लस हाफ ए की जगह पे यू वाली वैल्यू प्लेस कर दिया इंटू टी स्क्वायर। तो एस टाइम के साथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो वो आपने देखा कि ये जो एस आ रहा है यहाँ से जो एस आ रहा है और ये जो एस आ रहा है बोथ एस आर एग्जैक्टली सेम, बोथ एस आर एग्जैक्टली सेम। अब फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं तो ये बन गए थे। ओके, तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। और सी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं प्रोपोर्शनल है, वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, करा कंसीडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक। द हाइट ऑफ एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यू नॉट। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स कौन सा होगा, तो विस्कस फोर्स होगा। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेट की एफ बी डी बनाएंगे। तो आप इधर नीचे की जो लिक्विड है ना, जिसकी हाइट एच है, वो एक विस्कस लिक्विड है, और वो इसके सरफेस पे फोर्स लगाएगी पीछे की ओर। अच्छा, क्योंकि ये फ्लो रेक्टिलिनियर है, फ्लो रेक्टिलिनियर इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, कि फ्लो रेक्टिलिनियर है। तो फ्लो रेक्टिलिनियर है, तो जो फोर्स होगा वो होगा ईटा ए डी वी अपान, ये होगा ईटा ए डी वी अपान डी जेड। और रेक्टिलिनियर फ्लो की खासियत होती है कि डी वी अपान डी जेड क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो डी वी अपान डी जेड कॉन्स्टेंट है, तो ये बराबर होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड के। तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, इसके वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी घटाएंगे, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है, यू नॉट है माइनस जीरो, यहाँ की वेलोसिटी डिवाइड बाई इसकी इसके बीच की दूरी डेल्टा डी जेड, जो कि एच के बराबर है। तो इससे ये वैल्यू आ गई यू नॉट अपान एच। अब इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो जो भी फोर्स आएगा, ये विस्कस फोर्स है ध्यान रखिएगा, जो विस्कस फोर्स आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ईटा ए इंटू यू नॉट अपान एच। दिस इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट। ओके, तो अगर मैं इस प्लेट की एफबीडी बनाऊँ, तो ये फोर्स एफ दिखाएंगे, ये वाला फोर्स विस्कस फोर्स होगा। तो विस्कस फोर्स बराबर किसके हो गया, तो ईटा ए यू नॉट अपान एच के बराबर है। अब तो विस्कस फोर्स है क्या इतना, अब कोई पूछे स्ट्रेस बताइए। अच्छा, इसमें ना स्ट्रेस कह रहा है कि ये जो प्लेट है ना, इसके सरफेस पे कितना स्ट्रेस आएगा। वो ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है कि इसके सरफेस कितना स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपान एरिया, विस्कस फोर्स अपान एरिया, क्योंकि यही तो विस्कस फोर्स इसके हर पॉइंट पे काम कर रहा है। तो विस्कस फोर्स अपान एरिया स्ट्रेस। द फ्लोर ऑफ द टैंक इज, ठीक है, बनेगा ईटा ए यू नॉट अपान एच डिवाइड बाई एरिया। तो इससे ए से ए घट जाएगा, और इससे स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रेस इज ईटा यू नॉट अपान एच। ये बन गया क्या आपका, स्ट्रेस बन गया। ओके, अब चलिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द रेजिस्टिव फोर्स, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड। अच्छा, फोर्स का आप यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ताकि सामने रहे ईटा ए यू नॉट अपान एच, और जो स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है ईटा यू नॉट अपान एच। देखिए, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो सही में एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये पार्ट सही हो जाएगा। द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। रेजिस्टिव फोर्स क्या एरिया की इंडिपेंडेंट है, नहीं, गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी पार्ट, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक, टैंक के फ्लोर पे, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, टैंक के फ्लोर पे इंक्रीज विथ यू नॉट। देखिए, स्ट्रेस यू नॉट की प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सही कर रहा है। डी पार्ट, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वैरी लिनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड। तो जो स्ट्रेस है वो ईटा के साथ लिनियर वैरी कर रहा है, तो यस, ऑफकोर्स सही कह रहा है, तो ये डी पार्ट भी सही हो जाएगा।